तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें कैसे फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, हमारे चैनल पे पहली बार आए, तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज डली हुई हैं, ठीक है। टिकटॉक के एड्स हम अभी नई वीडियोज अपनी बना रहे हैं, साथ ही साथ में हमारी ये वीडियो भी चल रही है SEO की, और भी हमने गूगल एड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अमेजोन पे भी हमने अपनी वीडियो बनाई हुई है, और फ्लिपकार्ट पे मैं अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट पे भी आपको किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, कौन से प्रोडक्ट चूज करना है, क्या फीसेज है, कैसे डिलीवरी करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और समझे कि कैसे हमें फ्लिपकार्ट को यूज करना है, सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले यहां से क्लिक करता हूं। आपको ये टाइप करना है flipkart.com, और सेलर अकाउंट जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अकाउंट खुल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ, फ्लिपकार्ट सेलर लॉगिन। जैसे मैंने ये खोल दिया, अब यहाँ पे क्या करा मैंने, इसको ओपन कर लिया, ये मेरे पास पेज आ गया। अगर आप अपने फ़ोन नंबर से ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे कर लीजिए, मैं अपना ईमेल आईडी से करूँगा, रजिस्टर फॉर न्यू, ठीक है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते रहना। यहाँ पे आके मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये अभी एक मेरे पास OTP भेजेंगे, जिससे क्या करेंगे, ये वेरीफाई कर लेंगे मेरे को कि ये जो मेरा नंबर है ये वर्किंग है या नहीं है। मेरे पास OTP आ गया, मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ, 9257999, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पूरा नाम डाल देता हूँ, क्रिएटिव एजेंसी, आप अपना भी नाम डालना चाहे अपना नाम डाल सकते हैं, अपना अगर आप अपना पर्सनल नाम डालना चाहते हैं पर्सनल नाम डाल दीजिए, या फिर आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी का नाम डालें तो आप अपनी कंपनी का भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ साइनअप, और इसी जैसे मैंने ये साइनअप कर दिया यहाँ पे, तो उन्होंने एक मेरे को वेरिफिकेशन पिन भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अपना पिकअप जो पॉइंट है, गिव योर पिकअप एड्रेस, तो यहाँ पे इंटर योर पिकअप पिन, तो मैं अपने यहाँ पे एक पिन डाल देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से वेरीफाई करा रहा हूँ, तो ये हमें वेरीफाई है। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, एक DLF अंको विहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, गिवन योर बिजनेस डिटेल। तो पहला है कि मेरे पास GST है, इफ विल सेल ओनली GST एक्सटेंड्स कैटेगरी लाइक बुक्स पे अगर आप सेल कर रहे हो तो उस पर GST आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा है, आई विल अप्लाई फॉर अ GST, तो यहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर रखा है या फिर आप अप्लाई करेंगे तो वो आप बता सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पे आप GST नंबर डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे GST नंबर डाल देता हूँ, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है कि जिससे कि हमारा टाइम सेव हो जाए, ओके। एंड अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, वेरीफाई करा मैंने, अच्छा। तो मैं यहाँ पे एक ये जो मेरा पिन है, ये मेरा दिल्ली वाला पिन था, तो मैं यहाँ पे अपना दिल्ली वाला एड्रेस डाल देता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अभी, ठीक है, कि मैंने अप्लाई करा हुआ है या फिर मैं बाद में से अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने भी इसलिए नहीं डाला GST नंबर, क्योंकि जो मैंने GST नंबर डाला हुआ है अपना, वो मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है दिल्ली का, और जो मैंने एड्रेस अपना पिकअप एड्रेस डाला है वो मैंने डाल दिया है अपना गाजियाबाद का, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अकाउंट होल्डर नेम बता देता हूँ कि अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ सुनील यादव। यहाँ पे मेरे को अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दी है, यहाँ पे IFC कोड बोला है, तो मैं यहाँ पे अपना IFC कोड भी डाल देता हूँ। ये मैंने चीजें पहले से लिख के रखी थी कि जिससे कि मैं आपको आसानी से चीजें बता सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ मैं, इसे वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है एक कैंसिल चेक की इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बाद के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बाद के लिए कर देता हूँ, अगर आपके पास है तो इमीडिएटली आप यहाँ पे क्लिक करें और आसानी से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे
कि मेरा जो है अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और उन्होंने क्या करा है मेरे को एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजा है। तो मैं एक बार अपना मेल आईडी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा वेरिफिकेशन ईमेल आ गया है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करवाई हुई है, इस लिंक पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरे को यहाँ पे ले गया सेलर के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेरी चीज़ थी, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, अब यहाँ पे अपने स्टोर का नाम मैं भर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने स्टोर का नाम भर देता हूँ क्रिएटिव एजेंसी, ठीक है। वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि सिग्नेचर ड्रॉ करने के लिए बोला, या फिर मैं उसकी एक इमेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आके अब मैं करता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे को अपलोड करना है तो यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पे अपने क्या करता हूँ, मैं साइन कर देता हूँ। जैसे मैं नॉर्मली साइन अपने करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको कंफर्म कर देता हूँ अभी, ठीक है। अगर मेरे को इसको आगे रिप्लेस भी करना होगा तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। जीएसटी नंबर मैं अभी फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना दूसरा यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है गाजियाबाद का, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा सामान बनता है वहाँ से हम पिकअप कराते हैं, इसलिए, ठीक है। और जो मेरा जीएसटी नंबर है वो मेरा ऑफिस का है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा अकाउंट था वो यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। और आगे जो भी अब मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मेरे को क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग हमें किस तरीके से करना है, इन्वेंटरी किस तरीके से मैनेज करनी है, ऑर्डर्स किस तरीके से करने हैं, पेमेंट क्या होगी, हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा उसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। Thank you.